सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है खुदावन की पाक प्रेजेंस में। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पाक परमेश्वर, पवित्र पवित्र जलाली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें फिर से समा दिया है कि हम आपके साथ खुदावन का कलाम साझा कर सके और आप सभी के लिए शाम की प्रार्थना, रात की प्रार्थना कर सके। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती है जिसका सामना हमें करना पड़ता है, और यही जीवन की सच्चाई है। जब तक हम इन तमाम परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे तब तक हम जीतेंगे नहीं। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, आज के कलाम के द्वारा हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए इस चैनल पर बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप करके छोड़ के नहीं जाना है। प्रिय भाई बहनों, ये खुदावंत की पाक हजूरी है, खुदावंत का कलाम आपके सामने शेयर किया जाएगा और आपने इस कलाम को अपने जीवन में लेना है। और मेरा विश्वास है जब इस कलाम को आप अपने जीवन में लेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात जो भी है आपके जीवन में सेम आज नहीं रहने वाला। तो आइए हम पहले खुदा की पाक रूह की सहभागिता को मांगते हैं, क्योंकि बिना खुदा की पाक रूह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में एक मन एक चित हो जाए। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं सेनों के यहोवा आज के इस दिन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिखाया, खुदा आपकी करना के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए प्रभु जी जो हमारे संग है। पिताजी, हम तेरी पाक रूह की सहभागिता को मांगते कि पिता जितना हम कलाम आज पढ़े खुदा, हम अपने होठों के द्वारा या अपनी समझ अपनी बुद्ध के द्वारा नहीं, बल्कि पिता तेरी पाक रूह की सहभागिता के द्वारा उसे पढ़ने पाए और समझने पाए। मेरा विश्वास है पिताजी आपने हमारी विनती को सुना और कबूल किया। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाल नाम में, सब बोलिए आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का वचन हम पढ़ेंगे सब उपदेशक की पुस्तक उसकी 10 बाब के हम 3 को पढ़ेंगे। तो लिखा है, वन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती और वह सब से कहता है मैं मूर्ख हूं। यदि हाकम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीर धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। ये वो सब देखेगा जो कभी कभार परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है ये सबको व्यर्थ ही है, जो भी धरती पर हो रहा है ये सबको व्यर्थ है। मतलब वो अपने जीवन के द्वारा उसने ये समझ लिया है कि धरती पर रहना व्यर्थ है। लोगों को लग रहा है कि वो व्यर्थ की बातें कर रहा है, पर बीच की बातें बहुत गहराई वाली बातें हैं उसकी, इसलिए तो उसे बाइबल में लिखा गया है। अगर वो व्यर्थ कर रहा, वो कहता है कि सूरज के नीचे जो भी कुछ होता है सबको व्यर्थ है। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, हमने सबने एक दिन ये संसार छोड़ के प्रभु के पास जाना है, इसलिए वो उस रीति से वो कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। हम धन को इकट्ठा करने की सोचते हैं और इकट्ठा भी करते हैं, पर वो धन हमारे साथ जा नहीं पाता है। ये सब कुछ व्यर्थ है जो हम लालसाएं पैदा करते हैं अपने जीवन में कि हम सब कुछ लेके जाएंगे, पर हम कुछ भी लेके नहीं आ जाते हैं। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। इसलिए सब उपदेशक अपनी पुस्तक में यही बताता है कि सब कुछ व्यर्थ है। और ये इस वचन के द्वारा जब हम 4 में पढ़ते तो वो कहता है, यदि हाकम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना। हाकम कौन है? हाकम 2 तरह के होते हैं, एक हमारा परमेश्वर है और एक जहां हम दुनिया पर रह रहे हैं, हमारे ऊपर जो सरकारें हैं वो हाकम है, जहाँ जिस कैटेगरी में हम रह रहे हैं, जहाँ हम जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, और जो वो हमसे ऊपर वाले जो जिसके अंडर हम काम करें एक हाकम वो होते हैं। अब हम दोनों आत्मिक और संसारिक रूप में इन वचन को लेना है अपनी लाइफ में। हालेलुया। वचन कहता है यदि हाकम का क्रोध तुझ पर भटके तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीर धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जब हाकम तुझ पर प्रबल हो, हाकम तुझे कोई काम कहता है, जाओ इस वक्त आपको लग रहा है ये काम बहुत बड़ा मैं नहीं कर पाऊंगा, वो आपको डांट रहा है, छिड़क रहा है, तो आपने क्या करना, आपने वो सब कुछ सह लेना, आपने धीरज रखना है। अगर मान लो मैं कहीं जॉब करती हूँ और मेरे से जो सीनियर है मेरे, और वो मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, मैं मसीह हूँ, मुझ पर आए दिन सताव आते रहते हैं क्योंकि मैं मसीह हूँ, और जहां मैं काम करती जॉब करती हूँ वहां क्या है, वो सब अन्य जाति के लोग हैं, तो अन्य जाति के और मसीह लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ताना बाना चलता रहता है। वो जानबूझकर मुझे ऐसे काम देते हैं जिसको मैं नहीं करना चाहती हूँ और मैं करती भी नहीं हूँ,
पर उनके साथ मेरी क्या होती है, एक थोड़ी छोटी सी बहस हो जाती है कि प्रभु के नाम में कि मैं कहती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं अविश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगी। वो कहते हैं करना, पर कुछ काम होते हैं जो मुझे करने पड़ते क्योंकि मैं किसी के अंडर हूं। मैं किसी के क्या हूं, अंडर हूं। जो मसीह मुझे वचन के द्वारा बताता है, जैसे मसीह ने आज वचन के द्वारा बताया है, यदि हाकम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना। मैं अपना स्थान नहीं छोड़ती हूँ, मैं जवाब देती हूँ पर मसीह के वचनों के द्वारा, पर मैं अपना स्थान नहीं छोड़ती हूँ। मैं करती हूँ काम, अगर मुझे लग रहा है कि बाइबल के खिलाफ ये पाप है तो मुझे छोड़ देती हूँ। वो गुस्सा तो मुझ पर करते हैं पर मैं उस काम को करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मसीह के खिलाफ है और ये अच्छा काम नहीं है, ये मुझे कल को जाके परेशानी देने वाला काम है। तो मैं क्या करती हूँ, उस वक्त उनको मना कर देती हूँ। वो भड़कते तो है पर क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज धरना है, धीरज धरना है। फिर मैं डांट को सह लेती हूँ। इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, आपने भी डांट को सहना। अगर आप किसी महकमे काम कर रहे हो, आप किसी के नीचे काम कर रहे हो, आपको वो काम करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो डांट दे रहे, तो उस डांट को क्या करना, सह लेना। इसी प्रकार आत्मिक लाइफ में भी आपने ऐसे करना। हमारा परमेश्वर हमें क्या देता है, कभी कभार हमें डांट देता है हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए। हमें वो झिड़कता है, हमें हमारी परिस्थितियों को, हमारे हालातों को और बदतर से बदतर कर देता है। पर क्या करना है, हमें रुके रहना है, हमें दृढ़ रहना, हमें अपने मार्ग से हिलना नहीं है। जहां हम हैं वहां हमें खड़ा रहना है। जब हम ऐसा करते हैं, हम रुके रहते हैं, ताड़ना सहकर भी हम रुके रहते हैं, तो बड़ी महिमा को हम अपने जीवन में देखते हैं। प्रिय भाई बहन, मैंने अपनी लाइफ में संसारिक तौर पर भी इसे देखा और आत्मिक तौर पर भी अपने आप में देखा। जब हमारे अगु है, जो हमारे पास है, हमारे आत्मिक माता पिता, जब हमें वो कुछ बोलते हैं कि ऐसा काम आपने करना और हम ठहरे रहते हैं, हमें उस वक्त लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें हमसे नहीं होगा, पर हम ठहरे रहते हैं, हम बड़े फल को लेके आते हैं। अगर मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, वो मुझे कह रहे हैं ये काम करो, मुझे ताड़ना भी दे रहे, गुस्सा भी कर रहे, पर मैं उसे सुन रही हूँ और मैं ठहरी रहती हूँ। मैंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाही को भी देखा है। आप भी प्रिय भाई बहन अपने जीवन में गवाही को ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, जितने भी हाकम है उनके अधीन हमें रहना है, हमें अधीन रहना है। हमें गुस्सा तो लग रहा है, हो सकता है कि आपसे वो कुछ ऐसी बातें करें जिनके अंडर आप काम कर रहे हो, वो आप नहीं करना चाहते। उस वक्त परमेश्वर की हजूरी को मांगिए, खुदावंत की पाक रूह से बोलिए कि मेरे लिए रास्ता निकाल, वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। हालेलुया, ये मेरे जीवन की गवाहियां प्रिय भाई बहन। मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है जब से मैं मसीह लाइफ में आई हूँ। स्ट्रगल आया है, मेहनत करनी पड़ी है, पर मेहनत करने के बाद फल भी बड़ा मिला है। एक होती है संसारिक स्ट्रगल, हम करते किसी चीज को हासिल करने के लिए हम अपना जोर लगा रहे हैं, उसमें खुदावंत की मर्जी नहीं होती है। एक वो होता है स्ट्रगल, एक वो मेहनत होती है जो खुदा के पाक रूह के द्वारा हम कर रहे हैं और वो 100% फल लेके आती है। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते, अपने सिर को मेरे साथ झुका ले, प्रभु का धन्यवाद करते इस कलाम के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। खुदा पिता परमेश्वर, खुदा हम मानते तेरे कलाम को और अपने आप को तेरे आगे झुकाते। खुदा पिता परमेश्वर, जो भी हमारे ऊपर हाकम होंगे खुदा, हम पिता परमेश्वर उनके सामने खुदा विश्वजा हम अपने आप को झुका के रखेंगे। पिता परमेश्वर, अपने आप को चुप करा लेंगे। खुदा हम जानते खुदा कि तू हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा, हमारी जो स्थिरता तू उसे देखेगा खुदा, हमारी दीनता को तू देखेगा पिता परमेश्वर, हमारी नम्रता को देखेगा मेरे पिता परमेश्वर, और हम बड़े फल को लेके आएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ इन सब के लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावंत, हमारे साथ निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं, शाम की प्रार्थना में। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, इन सभी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु जी खुदावंत के ऊपर दया करना, एक एक के ऊपर प्रभु तेरा फजल आ जाए, एक एक के ऊपर तेरा दया वाला हाथ आ जाए, ये छुड़ाए जाए अपनी बीमारियों से, रोगों से, दुख तकलीफों से। पिता परमेश्वर खुदा, हो सकता है इन्हें बहुत ज्यादा दुख हो अपनी बीमारी के कारण, ये परेशानी में, फाइनेंशियल ट्रबल में चल रहे हैं, काम नहीं बने, पीआर नहीं मिल रही है, लड़ाई झगड़े घर में हो रहे हैं। पिता परमेश्वर तू सबको सही करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इनके जीवन में जितने हालात है पिता बिगड़े हुए, आज यीशु राजा तेरे नाम में वो सही होने पाए। मैं विश्वास करती हूँ पिताजी आपने हमारी विनती को सुना और कबूल किया, जो हमने मांगा वो आपने हमें दे दिया। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मदर और जलाल नाम में, सब बोलिए आमीन।
आप सब से प्रिय भाई बहन इसी तरह इस चैनल में बने रहना, निरंतर प्रार्थना को सुनना है, वचन को सुनना है, ये वचन आपको डेली क्या कह रहा है। हालेलुया।